नमस्कार दोस्तों, बुरी तरह फंस चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था, लेकिन फिर उसके बाद रियान प्रयाग ने खेली अपने आईपीएल करियर की सबसे तूफानी पारी और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहुंचा डाला एक बड़े स्कोर तक। लेकिन फिर उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों का आया तूफान, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में अंत में इस टीम ने मारी बाजी। तो क्या रहा इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का नौवां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने पारी की शुरुआत की। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में बेहद ही धीमी और खराब रहती है, क्योंकि जायसवाल आते ही 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 9 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद बटलर का साथ निभाने कप्तान संजू सैमसन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और राजस्थान रॉयल्स की टीम 5 ओवर में 30 रन भी नहीं बना पाई थी। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में फिर संजू सैमसन 15 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार हो जाते हैं और 30 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को दूसरा झटका लगता है। अब जोस बटलर का साथ निभाने रियान प्रयाग आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर जोस बटलर भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 16 गेंदों पर 11 रन बनाकर कुलदीप का शिकार हो जाते हैं और 36 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम को तीसरा झटका लगता है। और अभी भी राजस्थान रॉयल्स की टीम 6 की रन रेट से रन नहीं बना रही थी, लेकिन तभी इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम अश्विन को उतारती है। रियान प्रयाग और अश्विन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। अश्विन आते ही 3 छक्के लगाकर इस मुकाबले में जान फूंकते हैं, लेकिन अक्षर की गेंद पर 19 गेंदों पर 29 रनों की शानदार पारी खेलकर अश्विन भी आउट हो जाते हैं और 90 रन के स्कोर पर अश्विन के रूप में राजस्थान रॉयल्स की टीम को चौथा झटका लगता है। एक तरफ रियान प्रयाग काफी अच्छी बल्लेबाजी करके अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे और उनका साथ निभाने ध्रुव जुरेल आते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके राजस्थान रॉयल्स की टीम को 140 रनों के पार पहुंचाते हैं और दूसरे छोर पर रियान प्रयाग भी अपना अर्धशतक बना चुके थे और वहीं ध्रुव जुरेल तेजी से रन बनाने के चक्कर में 12 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 142 रन के स्कोर पर राजस्थान रॉयल्स को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद हेटमायर बल्लेबाजी के लिए रियान प्रयाग का साथ निभाने आते हैं, लेकिन हेटमायर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और 1 चौका और 1 छक्का लगाते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में रियान प्रयाग काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और आखिरी ओवर में रियान प्रयाग ने 2 छक्के और 3 चौके लगाकर कुल 25 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवर में 185 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना डाले। राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से रियान प्रयाग ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों पर नाबाद 84 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए और वहीं दिल्ली कैपिटल्स के 5 गेंदबाजों ने इस मुकाबले में 1-1 विकेट चटकाया और जवाब में 186 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत बेहद ताबड़तोड़ रहती है। डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श काफी तेजी से रन बनाते हैं। मिचेल मार्श रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी बर्गर की गेंद पर 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर मार्श बोल्ड हो जाते हैं और 30 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसी ओवर की अगली 2 गेंदों बाद रिकी बुई भी 0 रन के स्कोर पर बर्गर का शिकार हो जाते हैं और 30 रन के स्कोर पर यहां पर दिल्ली को दूसरा झटका लगता है। फिर कप्तान ऋषभ पंत और डेविड वॉर्नर के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। हालांकि पंत काफी धीमी बल्लेबाजी करके स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, दूसरे छोर पर वार्नर काफी तेजी से रन बना रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन तभी वार्नर अर्धशतक से पहले आवेश खान का शिकार हो जाते हैं और 34 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेलकर आउट होते हैं और 97 रन पर दिल्ली को तीसरा झटका लगता है और डेविड वॉर्नर के आउट होने के बाद ट्रीसन स्टब्स पंत का साथ निभाने उतरते हैं, लेकिन पंत दूसरे छोर पर यूजी चहल को कट शॉट लगाने के चक्कर में संजू सैमसन के हाथों 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम के 105 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को अब जीत के लिए आखिरी 7 ओवर में 81 रनों की जरूरत थी। अब यहां पर पूरी तरह से मुकाबला राजस्थान रॉयल्स की झोली में आ चुका था, क्योंकि अब बल्लेबाजी के लिए ट्रीसन स्टब्स और अभिषेक पोरल क्रीज पर मौजूद थे और फिर उसके बाद छक्का लगाने के चक्कर में अभिषेक पोरल 9 रन बनाकर आउट हो गए। 122 रन पर दिल्ली को 5वां झटका लगा, लेकिन 17वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ट्रीसन स्टब्स ने अश्विन को 2 छक्के लगाकर इस मुकाबले में दिल्ली की वापसी करवा दी और फिर उसके बाद आवेश खान ने 18वें ओवर में केवल 9 रन दिए। अब आखिरी 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 32 रन चाहिए थे, लेकिन ट्रीसन स्टब्स काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और 19वें ओवर में दिल्ली ने 15 रन बनाए। अब आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए केवल 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन 2 गेंदों पर 1 रन आने की वजह से अब दिल्ली को 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और आखिरी ओवर में आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को जीत दिलवा दी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने लगातार दूसरी हार का सामना किया। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों
खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।